है कि ना ना वो बस नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देवलगांव सिद्धि गांव, ये अहमदनगर जिला के अंतर्गत है। यहाँ से हमें शिवाजी कराड़े, इन्होंने कॉल किया था। यहाँ पर खेत में एक कुआ है और उसको राउंड नहीं, उसमें एक सांप गिरा हुआ है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हैं। दोस्तों, कैमरामैन अतुल पाखरे के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो भी सांप मिलेगा उसको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे। चलिए है कि ना ना वो है कि ना नवाज सरदार आले दिया आले हो एक दोन जण या बरे ना सम्मेलन करो आले दे आले थांबा अतुल दगड बघा सारक बस अकसर ती सोडा हाँ वड़ा
तो दोस्तों आपने देखा बड़ा ही रिक्स उठाकर हमारे नवाशिक इस कुएं में उतरे थे, जिस कुएं को किनारे नहीं होते, राउंड नहीं होता है अच्छे से, उस कुएं में बहुत ही रिक्स रहता है क्योंकि पत्थर ऊपर से गिरने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। फिर भी इतना रिस्क उठा के एक सांप की जान बचाने के लिए नवाशिक हर बार की तरह कुएं में उतरे और एक रसल स्वाइपर स्नेक हमने रेस्क्यू किया। यहाँ पर ये जहरीला सांप होता है, हिंदी में इसे चित्ती कहा जाता है, मराठी में घुनस, इंग्लिश में रसल स्वाइपर स्नेक, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम दबोइया रसली। तो आप देख सकते हैं किस तरह दिखाई देता है सांप। इसके शरीर पर ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा गोलाकार ऐसे चैन की तरह धब्बे शरीर पर, गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक, और वो जो धब्बे है हल्के से ब्राउन कलर में, काले कलर में, हल्के से पीले कलर में दिखाई देते हैं और उस पर वाइट कलर में बॉर्डर दिखाई देती है। रसल स्वाइपर का मुंह जो है आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए जिस तरह मेंढक होता है उसी तरह उसका मुंह त्रिकोणीय आकार की तरह दिखाई देता है। गर्दन छोटी होती है और बीच में आपको ये बहुत मोटा दिखाई देगा। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अजगर का बच्चा है, अजगर है, अजगर समझकर इसको पकड़ने की कोशिश में बहुत से लोगों ने जान गंवाई है। इसलिए वीडियो के माध्यम से हम चेतावनी देना चाहेंगे कि ऐसा सांप कभी भी आपके घर के आसपास कहीं भी दिखाई देता है खेत में तो बिल्कुल पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। भारत देश के मुख्य जो चार सांप है जहरीले, जैसे कि कोबरा, करैत, स्वास्केल्ड वाइपर और रसल स्वाइपर उनमें से एक है। तो दोस्तों इस सांप को हम अभी रेस्क्यू किया है और अभी इस सांप को हम एक सुरक्षित जगह पर फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। दोस्तों आपने देखा देवलगांव सिद्धि गांव में एक सांप कुएं में रेस्क्यू किया था, रसल स्वाइपर स्नेक। इस सांप को यहां पर फॉरेस्ट में हम रिलीज कर रहे, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह सांपों के बारे में जानकारी जानने के लिए, सांपों के रेस्क्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों साथ ही साथ बेल बटन दबाइए ताकि जैसे ही इस तरह मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।